प्राण मुद्रा। इस मुद्रा से शरीर की प्राण शक्ति जागृत होती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होती है तथा चैतन्य का आभास होता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति अशक्त से सशक्त हो जाती है। यह मुद्रा नियमित करने से रोग के कीटाणु शरीर में नहीं आ सकते। इस मुद्रा में पृथ्वी तत्व अनामिका और जल तत्व कुरंगली एकत्रित आने से शरीर में प्राण शक्ति में गतिशीलता आती है। मुद्रा करने का तरीका। कुरंगली जल तत्व और अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व को उनके सिरे को अंगूठे अग्नि तत्व से जुड़ाएं। बाकी अंगुलियों को सीधी एवं सहज अवस्था में रखें। इस मुद्रा को करते वक्त यह आसन का बंधन नहीं है। यह मुद्रा पद्मासन या सिद्धासन में करें। खाने के बाद 10 मिनट करने पर खाना सुगमता से हजम होता है। उत्तम परिणाम के लिए यह मुद्रा 48 मिनट करें। एक वक्त में ना कर सकें तो 16-16 मिनट तीन बार करें। प्राण मुद्रा के फायदे। नंबर एक, प्राण शक्ति जागृत होने से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। प्राण वायु का प्राबल्य आँखों में अधिक होने से आँखें तेजस्वी होती हैं। आँखों के दोष एवं बीमारियाँ दूर होती हैं। आँखों का नंबर कम होता है। इस मुद्रा से मूलाधार चक्र कार्यान्वित होता है। नंबर दो, शरीर में उत्साह चैतन्य और स्फूर्ति का निर्माण होकर थकान दूर होती है। सभी बीमारियों में उपयुक्त। उपवास में प्यास एवं भूख नहीं सताती। नंबर तीन, नींद की शिकायत होने पर ज्ञान मुद्रा के साथ यह मुद्रा करने पर अच्छी नींद आती है। इसलिए ज्ञान मुद्रा 15 मिनट साथ ही प्राण मुद्रा 15 मिनट करें। यह मुद्रा कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। जागृत प्राण शक्ति द्वारा जीवन में आनंद ले सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस मुद्रा से मिलता है। नंबर चार, इस मुद्रा से रक्ताभिसरण में सुधार आता है और उसकी रुकावटें दूर होती हैं। स्नायु शक्तिशाली हो जाते हैं और उत्साह स्फूर्ति आ जाती है। नंबर पाँच, इस प्राण मुद्रा से शरीर में बहुत अधिक कम हुए विटामिनों की मात्रा दूर होती है। नंबर छः, मधुमेह रोगी को यह मुद्रा पान वायु मुद्रा के बाद करने से फायदा होता है। प्राण मुद्रा के बाद आकाश मुद्रा करने से कान की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कैंसर और एड्स के रोगियों द्वारा यह मुद्रा करने पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर सात, शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने से शरीर की सभी इंद्रियां सक्षम बन जाती हैं तथा कमजोर व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार आता है। नंबर आठ, इस मुद्रा से पीठ दर्द, पाचन क्रिया, घुटने का दर्द, आमवात, संधिवात, खांसी, शारीरिक दुर्बलता कम होकर शांति प्राप्त होती है। इस मुद्रा से श्वास नली का स्वस्थ होती है। मन प्रसन्न और शांत हो जाता है। उपवास करने से यह मुद्रा अधिक फायदेमंद होती है।